हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वेद साई जी के एक वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन भी आज बहुत ऐड ऑन की। ये गेम फ्रेंड्स राशिद नजमुद्दीनोव की है, जो उनके जीवन की आखिरी गेम थी, जो लातवियन ओपन ओके 1973 में खेली गई थी। और फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला राशिद के इस गेम के ऊपर पढ़ने का, लेकिन आई थिंक इस गेम के बाद उनकी कैंसर के कारण शायद उनकी डेथ हो गई थी। खैर फ्रेंड्स, लास्ट गेम है और क्या कमाल की गेम है। ऐसे माइंड बॉगलिंग मूव्स कहाँ से आखिर ये लोग निकाल कर लाते थे। यहाँ इनका मुकाबला था व्लादिमीर आई करासेव से। आई थिंक ये भी रशियन खिलाड़ी रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब सीधा गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ व्लादिमीर ने की थी Nf3 के साथ, तो Nf6 यहाँ राशिद ने किया, देन c4 c5। गेम की कॉम्पोजिशन यहीं से दिखने लगा है कि सिमेट्रिकल इंग्लिश में ट्रांसपोज होने वाली है। d4 c takes d4, Nxd4, देन e6, Nc3 bishop b4, नाइट पिन किया, ठीक है, Nd goes to d5। और फ्रेंड्स, चाहे सिसिलियन हो या इंग्लिश ओपनिंग हो, यहाँ गेम का फोकस सबसे पहला फ्रॉम वाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू c7 स्क्वायर पर आता ही है। थोड़ी देर बाद व्हाइट यहाँ अपने बिशप को f4 स्क्वायर पर लाकर कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ c7 स्क्वायर पर बनाने की कोशिश करेगा। ब्लैक ने सबसे पहले यहाँ कैसन किया, देन बिशप f4 एज एक्सपेक्टेड, और यहाँ ये आप देख सकते हैं स्क्वायर वीक हो चुका है, देन d5, दैट्स ओके। लेकिन अभी अगर यहाँ इस c7 स्क्वायर पर फोकस किया तो व्हाइट को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ तो सॉरी व्हाइट यहाँ नाइट को c7 स्क्वायर पर लेकर आता भी है, तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा Nd4, और यहाँ थोड़ी वीकनेस ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। खैर फ्रेंड्स, ये गेम को ही देखते हैं। यहाँ a3 पहले वाइट ने किया, और उनको यहाँ जो भी कुछ इस बिशप के साथ डिसाइडिंग करना है फटाफट करें, और एक्सचेंज ही करना होगा, ऑलमोस्ट फोर्सफुल है। बिशप टेक c3 चेक, नाइट टेक c3। अभी यहाँ ब्लैक नहीं वाइट नहीं चाहता c5 में पॉन्स को डबल करवाऊंगा, देन d4 दोबारा नाइट पर अटैक बना, और ये दोबारा नाइट b5 स्क्वायर पर आया। और लगता है कि राशिद को कोई फिक्र नहीं है यहाँ आने वाले इस रुक का, जो भी ट्रैप होने वाला। खैर a6, ठीक है, इस रुक के जाने के लिए कुछ तो स्क्वायर खोल ही दिया है। नाइट c7 ऑब्वियस मूव है, देन रुक गया a7 स्क्वायर पर। और नाउ व्हाट अबाउट नाइट d5? इस नाइट के जाने के लिए स्क्वायर भी तो नहीं बचते ना। e takes d5 होगा भी तो bishop takes d8। हाँ, ऐसा करके यहाँ व्हाइट गेम को इक्वल रख सकता है, क्योंकि नाइट की मूवमेंट के बाद आप यहाँ इस नाइट ब्लैक के नाइट b8 नाइट को देख सकते हैं कि वो अनडिफेंडेड हो चुका था। खैर, यहाँ व्हाइट ने इस नाइट को वापस लिया b5 स्क्वायर पर। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस नाइट के जाने के लिए कोई स्क्वायर था भी नहीं, नाइट c7 स्क्वायर पर आ तो गया, ए पॉन के आगे पुश होने के बाद नाइट ऑलमोस्ट ट्रैप हो गया। लेकिन रुक की पोजिशन थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है। यहाँ फिलहाल राशिद ने किया a takes b5, इस नाइट को लिया, bishop takes a8, दैट्स ओके, मेटल इक्वल रहा। लेकिन उसके बाद टू माय सरप्राइज राशिद ने यहाँ अभी अपने इस रुक को नहीं बचाया, उन्होंने यहाँ किया b takes c4। और आखिर उन्होंने यहाँ इस पूरे रुक को क्यों गिफ्ट कर दिया? पूरा रुक तो नहीं है, यहाँ bishop takes a7 होने के बाद ब्लैक ने यहाँ पहले किया queen a5 चेक, और इस चेक को दे करके यहाँ इस बिशप को ले लिया। लेकिन यहाँ एक्सचेंज डाउन, तो एटलीस्ट यहाँ राशिद अभी फिलहाल हो ही चुके हैं, तो queen d2 से यहाँ इसका डिफेंस वाइट ने किया, देन queen takes a7 e3। ओके, अब यहाँ पॉन एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। और फ्रेंड्स, जो कुछ भी लॉस मेटेरियल लॉस यहाँ ब्लैक ने उठाया, उसके एवज में यहाँ ब्लैक को आकर देखिए मिला क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक को मिला है d3। ये पॉन ऑलमोस्ट क्वीन बनने वाला है, और व्हाइट फिलहाल व्हाइट का किंग आप कह सकते हैं e1 स्क्वायर पर ट्रैप हो चुका है। बिशप कहाँ निकलेगा? बिशप के निकलने के लिए सिर्फ g2 स्क्वायर ही बचेगा, और उसमें भी कम से कम दो तीन तीन मूव बाद यहाँ व्हाइट कैसल कर पाएगा। उतनी देर में तो नाइट और बिशप तीन मूव के बाद तो बहुत कुछ वहाँ अटैक लगाने के लिए पहुंच चुका होगा ब्लैक का। खैर, यहाँ फिलहाल व्हाइट क्या करे, क्वीन को b4 स्क्वायर पर ले जाए, बिशप पर सॉरी इस पॉन पर अटैक बनाने के लिए c4 पॉन पर, लेकिन क्वीन a6 हो जाएगा, देन b3। हाँ, प्रेशर तो यहाँ रह सकता था इस तरह से थोड़ा ब्लैक के ऊपर, लेकिन राशिद है मैजिशियन, पता नहीं क्या कर दे, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ g3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने ऑप्ट किया, कीप इट सिंपल, किंग सेफ्टी फर्स्ट, देन Ne4, एक एक कर पीसेज एंटर करने लगे हैं, क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन गई b4 स्क्वायर पर। यहाँ तक भी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस ये पॉन c4 पॉन पहले से ही वीक था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया d2 चेक, और चेक के देने के बाद किंग आया e2 स्क्वायर पर, और
अब यहाँ ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, क्वीन ए सिक्स पॉन का डिफेंस तो हो गया, और ऊपर से यहाँ आने वाले समय में एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है, और फ्रेंड्स वो थ्रेट थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है वाइट के इस किंग के लिए। हाँ सिर्फ एफ थ्री स्क्वायर बचेगा, उसके बाद नाइट की चेक और पता नहीं क्या क्या कुछ होने वाला है। तो अब वाइट मेरे ख्याल से, मैं अगर सही कहूँ तो वाइट के लिए कोई अच्छा मूव ढूंढना बड़ा मुश्किल है। डिस्कवर्ड चेक बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस आने वाली है। इनफैक्ट ये पॉन आप देखेंगे तो सी थ्री स्क्वायर पर पहुँच कर फिर बी टू स्क्वायर, नहीं अगर दोनों पॉन्स को कनेक्ट भी कर दे तो क्वीन तो प्रमोट हो ही जाएगी। तो अब क्या ऑप्शन निकालें, बिशप जी टू आता है तो सी थ्री चेक है और फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी के ऑप्शन अगर फ्रेंड से देखूं मैं तो जी फोर की ऑप्शन कैसी रहेगी, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक से किंग आता है, बिशप डी सेवन स्क्वायर पर फिर यहाँ बिशप डेवलप करने का मौका ब्लैक को मिल जाएगा, रुक पर किंग पर पता नहीं कहाँ कहाँ अटैक करने वाला होगा। खैर फ्रेंड्स इस घर से मूव निकालना हम जैसे नौसिखियों के लिए आसान बात नहीं है। ये ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर इनफैक्ट राशिद नजफदीनोव के सामने ये आईएम रहे हैं आई थिंक व्लादिमीर करसेव, तो इन्हें यही लोग निकाल सकते हैं। उन्होंने यहाँ किया था किंग F3, पहले डिस्कवर्ड चेक से तो बचो, फिर उसके बाद क्वीन गई C6 स्क्वायर पर। ओके फिर दोबारा वही डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है, और यहाँ आई थिंक डिस्कवर्ड चेक किस तरफ से आएगी, मेरे हिसाब से अगर मैं ब्लैक के गेम प्लान बताऊँ तो नाइट यहाँ C3 स्क्वायर पर जाएगा, किंग को बाहर निकालने की कोशिश होगी, उसके बाद ये ई पॉन आगे पुश होगा, किंग वापस अपने पॉन्स की सेफ्टी में जा ही नहीं पाएगा। खैर यहाँ किंग जी टू की ऑप्शन अगर मान लेते हैं कि वाइट कंसीडर करें इस पॉइंट पर, तो नाइट जी फाइव चेक होगा, किंग जी वन, नाइट एफ थ्री चेक होगा, किंग जी टू, बी फाइव, और बिल्डअप बहुत स्ट्रांग होने वाला है फ्रेंड्स। बी फाइव के बाद क्या आइडियाज़ हैं आखिर ब्लैक के, बहुत ज़्यादा डेंजरस और चेकमेट है वो। चलिए यहाँ फ्रेंड सॉरी, यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने दोबारा अपने किंग को ई टू स्क्वायर पर रखा, देन क्वीन गई डी फाइव स्क्वायर पर। अपने किंग क्वीन की पोजीशन को यहाँ ब्लैक ने बहुत अच्छे से मैन्यूवर किया है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। नाउ व्हाट अबाउट क्वीन ए फोर, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस पॉन को क्वीन बनने की थ्रेट तो आ ही रही है, अभी तो फिलहाल रुक है, चलिए वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि रुक का क्वीन का भी डिफेंस लगा लेते हैं, और क्वीन की पोजीशन इम्प्रूव होकर वाइट यहाँ इस सी टू स्क्वायर पर लेकर जाना चाहता है, बिशप डी सेवन, बिशप डी सेवन क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन सी टू स्क्वायर पर जाएगी, देन सी थ्री होगा, और फ्रेंड सी थ्री होने के बाद ये प्रॉब्लम, चूंकि मैं इस गेम के रिजल्ट को जानता हूँ इसलिए कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगा फिलहाल वाइट, क्योंकि बिशप का रास्ता खुल चुका है आगे चेक देने का, नाइट को हटना है, चेकमेट है ब्लैक को। कैसे, बी टेक सी थ्री मान लो अगर यहाँ से वाइट कर भी दे, देन नाइट टेक सी थ्री चेक, क्वीन टेक सी थ्री करना ही होता तो अदरवाइज चेकमेट होगी, बिशप बी फाइव चेक, किंग डी वन स्क्वायर पर ही जाएगा, बिशप ए फोर चेक, किंग ई टू स्क्वायर पर आएगा, देन डी वन इक्वल स्क्वायर, रुक टेक्स डी वन, क्वीन टेक्स डी वन चेक और यहाँ मेट होगी। फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन थी राशिद नजफदीनोव की, कहाँ से मतलब क्या से ये याद करते हैं, कैसे इमेजिन करते हैं चीज़ों को। जब मैं काफ़ी पहले देखता था तो यही सोचता था कि आखिर ये चेस के खिलाड़ी इतनी देर बैठकर सोचते क्या, आप पता लगता है क्या सोचते हैं। यहाँ रुक डी वन पहले वाइट को करना ही पड़ा, इस पॉन को तो क्वीनिंग से रोका जाए। नाउ अब ब्लैक गेम को किस तरह से आगे बढ़ाए, ब्लैक ने फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लैक का अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ब्लैक का बिशप भी गेम में नहीं आ पा रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रेंड्स अगर विदाउट दिस बिशप अगर ब्लैक यहाँ से अपने गेम प्लान को आगे बढ़ाएगा तो ब्लैक को यहाँ करेगा क्या, सॉरी ब्लैक यहाँ करेगा क्वीन डी थ्री चेक, यही कर सकता है, जाएगा किंग जाएगा एफ थ्री स्क्वायर पर, देन नाइट जी फाइव चेक होगा, किंग जी टू स्क्वायर पर चला जाएगा, और फिर नो मैंस लैंड, और यहाँ कोई आगे फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर नहीं आ पाएगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, क्वीन ई फोर चेक होगा भी तो किंग जी वन स्क्वायर पर, नाइट एफ थ्री चेक होगा, किंग जी टू, नाइट एच फोर चेक, पिछली बार हमने नाइट जी फाइव चेक किया था, नाइट एच फोर चेक के आइडियाज के साथ फ्रेंड्स किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। किंग ऑब्वियस है, यहाँ आप देख सकते हैं एच थ्री स्क्वायर पर नहीं आ सकता, अदरवाइज ई पॉन पुश होगा और ये चेकमेट हो गया, तो किंग को जी वन स्क्वायर पर ही आना होगा, देन बी फाइव। ओके नाउ बी फाइव मूव फ्रेंड्स, बी फाइव का क्लियर है कि किसी भी तरह से इस बिशप को यहाँ डायगनल पे प्लेस करो और चेकमेट करो, तो क्वीन को ई सेवन स्क्वायर पर व्हाइट को लेकर ही जाना होगा, देन बिशप बी सेवन, और अगर यहाँ मान लेते हैं कि
व्हाइट चाहता है कि मुझे चेकमेट थोड़ी देर बचने, तो उसे यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस करनी, क्वीन टेक्स भी सर्व करना होगा। लेकिन अब ब्लैक पहले यहाँ एक चेक देगा ताकि उसका नाइट बच जाए, नाइट एफ थ्री चेक होगा, किंग जी टू स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स बी सेवन एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से डिजाइन बनता है। मैं बात करूँगा क्वीन के सामने, यहाँ दो रुक्स लगा लेते हैं, नाइट के सामने बिशप लगा लेते हैं, रुक एक पूरा एक्स्ट्रा है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि डी टू स्क्वायर पर एक बहुत ज़बरदस्त पॉन जो व्हाइट की गेम को कहीं भी डेवलप नहीं होने देगा। खैर फ्रेंड्स, यहाँ राशिद ने एक और कमाल का मूव चला, मार्वलेस, मतलब आउटस्टैंडिंग है। कहाँ से सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ई फाइव, क्या आपके दिमाग में ये मूव आ रहा था? ई फाइव फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अ सडन जो बिशप अभी गेम में था ही नहीं, अचानक से ब्लैक ने यहाँ सीधी थ्रेट दी है चेक देकर रुक को लेने की। ठीक है, आप कहेंगे कि यार ये पौन आगे पुश हो जाएगा, उसके बाद और बहुत ज़्यादा खतरनाक काम होने वाले। चलिए फ्रेंड्स, ई फाइव होने के बाद व्हाइट को यहाँ करना ही पड़ा h3। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, आई डोंट थिंक मुझे कहने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो पॉज करके राशिद का नेक्स्ट मूव ढूंढें तो बड़े कमाल की बात होगी। फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूँ, आई थिंक अगर हम बात, मैं सही मायने में बात करूँ तो पॉन की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हम सभी लोग पॉन की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर टाइप, इग्नोर ही करते हैं। यहाँ देखिए, अभी राशिद ने ई पॉन आगे पुश किया था, मार्वलेस मूव, आउटस्टैंडिंग, ऑलमोस्ट मतलब हार्ट विनिंग ना। अब राशिद ने किया बी पॉन आगे पुश, कह सकते हैं कि पॉन सेक। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ अपने इस बिशप की पोजीशन को इम्प्रूव करना है। माइट बी बी सेवन, और अगर मौका लगा तो माइट बी ए सिक्स, दोनों किसी भी स्क्वायर पर ये बिशप जा सकता है। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ करता है क्वीन टेक्स बी फाइव, तो सिंपली बिशप बी सेवन ये तो होना ही है, देन क्वीन बी फोर, क्वीन डी थ्री चेक होगा, किंग एफ थ्री स्क्वायर पर जाएगा, नाइट जी फाइव चेक होगा, किंग जी फोर स्क्वायर पर जाना ही होगा। ये बिशप ने बहुत स्मार्ट डायगनल कवर किया, रुक तो मिल ही गया ना, ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। बिशप सी एट चेक होगा, और अब इस नाइट की मदद से यहाँ एफ थ्री स्क्वायर पर किंग वापस जा ही नहीं सकता, किंग टेक जी फाइव करना ही होगा, क्वीन जी सिक्स चेक होगा, किंग जाएगा एच फोर स्क्वायर पर, देन फाइनली क्वीन एच सिक्स चेक होगा और ये मेट होगी। फ्रेंड्स, क्या मार्वलेस मूव यहाँ, आउटस्टैंडिंग यार, कमाल है। बी पॉन को आगे पुश करना, गजब। और ये उनकी लास्ट गेम थी, सबसे बड़ी बात है, रुक गया जी वन स्क्वायर पर, फाइनली व्हाइट ने यही काम किया। और फ्रेंड्स, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आप एक बार और यहाँ वीडियो पॉज करें, और राशिद ने यहाँ क्या मूव चला जिसके बाद कहने की जरूरत ही नहीं, यहाँ उन्होंने फ्रेंड्स किया था सी थ्री एंड दैट्स इट, बैम, बिशप की डायरेक्ट एंट्री, सीधा चेक मेट की थ्रेट यहाँ ब्लैक ने दी। व्हाइट का ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फोर्स्ड मूव है इस पॉन को लेना, बी टेक सी थ्री करना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार और अगर आप वीडियो को पॉज करें और ब्लैक का वो अल्टीमेट मूव ढूंढ सकें तो ज़रा ढूंढने की कोशिश करें। खैर मैं यहाँ बता ही देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ राशिद ने किया था नाइट टेक सी थ्री चेक, कमाल का मूव फ्रेंड्स, नाइट टेक सी थ्री, लुक एट दिस मूव, लुक एट दिस मूव, फॉक, क्वीन की डिफ्लेक्शन, क्वीन को डिफ्लेक्ट कराना ही होगा, और बिशप की एंट्री, बिशप की एंट्री के बाद सीधा चेकमेट की थ्रेट है, किंग अभी इस पॉन को नहीं ले सकता। पूरी गेम में पॉन्स ने प्रेशर बनाकर रखा है यहाँ व्हाइट के ऊपर, क्वीन टेक सी थ्री, देन बिशप ए सिक्स चेक होगा, क्वीन बीच में लगी, क्वीन टेक डी थ्री चेक होगा, किंग एफ थ्री स्क्वायर पर जाएगा, बिशप बी सेवन होगा, किंग हंट, किंग जी फोर स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन जी सिक्स चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा एच फोर स्क्वायर पर, क्वीन एच सिक्स चेक होगा, किंग जी फोर स्क्वायर पर चला भी गया कोई दिक्कत नहीं, एफ फाइव चेक एंड दैट्स इट। फ्रेंड्स, क्या ट्रैप लगा रखा है, आई थिंक 25 प्लस 6 30, ओ 31, 31 -25 6 7 7 मूव की कैलकुलेशन इस मूव के बाद, और अगर मैं दो या तीन मूव पहले चला जाऊँ तो लगभग 10 मूव की कैलकुलेशन थी, कमाल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रियल ट्रिब्यूट टू राशिद नजमुद्दीनोव, द रियल मैजिशियन ऑफ चेस। और मुझे वेद साई भाई को बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने हम सभी लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट राशिद नजमुद्दीनोव की, खासकर उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।